संज्ञा अद्विता पांडे। किसी प्राणी, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, भाव या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कोई भी प्राणी जैसे मनुष्य, कीड़े। व्यक्ति जैसे राधा, मोहन, श्याम। जानवर जैसे हाथी, हिरण। पक्षी जैसे मोर, गिद्ध। स्थान जैसे आगरा, बलिया, दिल्ली। वस्तु जैसे अलमारी, चम्मच, किताब, रबर, कुर्सी, मेज, गाड़ी। भाव जैसे मिठास, उदास, बुढ़ापा, वीरता। संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक, कोई भी नाम, रीता, आगरा, जुलाई, होली, भारतीय। जाति वाचक, लड़का, पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, देश। भाव वाचक, मनुष्यता, गवारपन, भलाई, परिश्रम, गंभीरता। समूहवाचक, सभा, गुच्छा, मंडल, भीड़, जनता, कक्षा। द्रव्यवाचक, तांबा, सोना, चावल, घी, तेल, आटा। संज्ञा पर गोला लगाइए। राहुल खेल रहा है, हम आगरा जा रहे हैं। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। ताजमहल बहुत सुंदर है। मेरा मोर नाच रहा है। राहुल, आगरा, कुत्ता, ताजमहल, मोर, संज्ञा है। दिए वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा लगाइए। सीमा ने माला पहनी है। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। मीरा लंदन गई है। संगीता बहुत सुंदर है। रोहन भारत में रहता है। चिड़ियाघर में हमने भालू देखा। लड़के गुब्बारों से खेल रहे हैं। गौरैया पेड़ पर बैठी है। थोड़ा व्यक्ति फूल लिया है। सीमा, बाला, छात्र, कक्षा, मीरा, लंदन, संगीता, सुंदर, रोहल, भारत, चिड़ियाघर, भालू, लड़की, गुब्बारे, गौरैया, पेड़, भूरा व्यक्ति, फूल, संज्ञा है। धन्यवाद। कृपया साझा अर्थात शेयर करें और सदस्यता अर्थात सब्सक्राइब करें।